हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी कूल हैंडमेड्स। शायद आपके घर में भी कॉटन के मॉस्किटो नेट बेकार पड़े होंगे, क्योंकि आजकल नायलॉन के मॉस्किटो नेट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ का रीयूज़ करने का बस आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको कॉटन नेट का रीयूज़ करने का बेस्ट आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने पुरानी मॉस्किटो नेट ली है, जो कि कॉटन की है। इसमें नीचे देखिए फॉल लगी है हुई है, इसका भी मैं यूज़ करूँगी। मैंने मॉस्किटो नेट को ऊपर से कट कर लिया है, ये जॉइंट है, यहाँ से मुझे कट करना है और इससे मुझे एक अच्छी खासी लेंथ मिल जाएगी और बीच में कहीं भी जॉइंट नहीं मिलेगा। इंडियन हाउसवाइफ जो है वो किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देती है, जब तक उसका फुल टू यूज़ ना कर ले, उसे फेंकती नहीं है। तो बस आइडिया होना चाहिए यूज़ करने का। देखिए, मैंने इसे लेंथ में कट कर लिया है, इसे मैंने दो पार्ट में कट किया है। 145 इंचेस की लेंथ मैंने ली है। अब इसके जो दोनों कॉर्नर है वो थोड़े रफ हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाए। ये दोनों कॉर्नर है, ये मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। अब जो फॉल मैंने नीचे से निकाली थी उसका यूज़ करूँगी। मैंने एक पर्दे की पट्टी ली हुई है जो मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल की बोरी को डबल फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। अब फॉल को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। नेट की जो ऊपर का पार्ट था उसकी लंबाई में हमें फॉल लेना है, उसकी जो भी चौड़ाई है, और पर्दे की जो पट्टी ली थी उसको भी उसी लंबाई में कट कर लेना है। अब ये जो नेट है उसके ऊपर के पार्ट को हमें फॉल के ऊपर रख करके स्टिच कर लेना है। ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जो फॉल डबल फोल्ड किया था उसके बीच में हमें ये पट्टी लगानी है, जिससे कि ये दिखे ना, क्योंकि फॉल थोड़ी हल्की है। अब इसको फोल्ड करके हमें पलट करके स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं कर्टेन बना रही हूँ। अब मैंने ऊपर के पार्ट को तो हार्ड कर दिया है, अब नीचे के पार्ट को भी थोड़ा वेट देना है और थोड़ा हार्ड करना है। तो इसके लिए मैं जो सलवार में नीचे पट्टी लगाई जाती है उसका यूज़ करूँगी। आप चावल की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं इसको मोटा करने के लिए और थोड़ा भारी बनाने के लिए, जिससे कि पर्दा जो है इधर उधर उड़े ना, थोड़ा वेट रहे नीचे। ये देखिए, मैंने इसमें लगा दिया है। ये दोनों साइड पट्टी लगाकर रेडी कर ली है। मेरे पास कुछ पुराने ऊन पड़े हुए थे, उससे मैंने ढेर सारे पॉम्पम बना रखे हैं। ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगी। वैसे मैं सारी पुरानी चीज़ों का ही, बेकार चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। अब ये जो पॉम्पम बनाया है उससे कुछ कटिंग्स निकली हुई हैं, जिसे मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसका भी रीयूज़ करने का आइडिया मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, बस यूज़ करने का आइडिया होना चाहिए। ये जो मैंने पॉम्पम बना रखे हैं उसे मैं पर्दे के दोनों साइड में लगाऊंगी। इसे आप ग्लूगन की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हैं या फिर सुई धागे की हेल्प से इसको लगा सकते हैं। आप इसे पास पास भी लगा सकते हैं या फिर दूर दूर लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, जिससे ये काफ़ी कलरफुल दिखेगी। और इसके बीच बीच में भी मैंने ऊन से फ्लावर बना रखे हैं। अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कलरफुल पुराने बटन्स हो उसको भी लगा सकते हैं, या फिर ये पॉम्पॉम भी आप बीच बीच में लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने स्वेटर सिलने वाला नीडल लिया है और उसमें ऊन डाल करके मैंने इसे पीछे से डाला और पीछे थोड़ा सा छोड़ देना है। थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इसको डालूँगी और ऐसे राउंड में लपेटना है और फिर नीडल को खींच लेना है। इसे अच्छे से खींचना है और इसको फिर राउंड में घुमा करके नीडल को नीचे से निकाल लेना है।
अब नीचे से सेंटर में निडल डालना है और इसको लॉक कर देना है। ये फ्लावर बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और पीछे से नॉट लगा दूँगी जिससे ये खुले ना। देखिए मैंने कलरफुल ऊन से बना रखा है, बीच में प्लेन ना दिखे, कलरफुल दिखे, इसलिए मैंने इसे बनाया है। ये मैंने इसको हैंग करने के लिए बीच बीच में पट्टी लगा रखी है। आप ये रिंग भी कट करके लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये धुलने में निकल जाती है। ये देखिए पास से काफ़ी प्यारी कलरफुल लग रही है ये। और कर्टेन बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बीच में मैंने यहाँ हैंग करने के लिए पट्टी लगा रखी है। मैंने इसमें टोटल इसी के फॉल का यूज़ किया है, मैंने अलग से कोई कपड़े का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए मैंने इसे अपनी बालकनी में लगा रखी है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, काफ़ी कलरफुल है, लाइट वेट है और इसमें से हल्की हल्की धूप भी आएगी, हवा भी आएगी। ये देखिए ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैंने पॉट बना रखा है, इसकी भी लिंक मैंने दे रखी है, अगर आपको देखना हो तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।